आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। शिक्षा दिवस 2022 समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नसीहत दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैसे शिक्षकों को निकाल बाहर करने का निर्देश दिया जो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। साथ ही शिक्षकों को मोबाइल फोन पर अपनी व्यस्तता कम कर क्लासरूम में बच्चों को बेहतर पढ़ाई देने की नसीहत दी। नई टेक्नोलॉजी का ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़वे न किए हैं जी, और तभी तक न यहाँ पर आए हैं है? अब आप बताइए, अब खाली मोबाइले पर सब चीज जानेगा। आई 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। अरे मोबाइल देखो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में बातचीत करना, पढ़ना लिखना यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं, और हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है, हम तो मोबाइल छोड़ दिए। हम कह भाई जब तक लोग खाली इसी पर खाली काम करिएगा, फिर इसके अलावे भी और चीज होना चाहिए। जो बढ़ा है नई टेक्नोलॉजी उसको पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी सीखिए जानिए, लेकिन मौलिक चीज को भी जानना जरूरी है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।